हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पीएम कोचिंग। तो आज मैं आपको एक आर्टिकल बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर लाइन में से हमें रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नंबर लाइन पे दिखाना है। तो वो कैसे दिखा सकते हैं? ज्योमेट्रिकली। तो स्टेप, तीन स्टेप रहेंगे उनके। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? पहले तो ये स्केल लगेगी और ये कंपास लगेगा। उसके बाद हमें स्टेप वन, पहले स्टेप में क्या करना है, रूट एक्स दिए तो एक्स, एक्स तो आप जान सकते हो कोई भी वेरिएबल हो, तो एक्स की लेंथ होगी, ऐसी लाइन बना दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, लाइन ए बी जिसकी लेंथ एक्स होगी। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, उस लाइन को एक यूनिट से एक्सटेंड करना है, वन यूनिट से एक्सटेंड करना है। तो हमारे पास आ गई लाइन ए सी जिसकी लेंथ क्या हो गई, एक्स प्लस वन, करेक्ट। ये एक्स लाइन है प्लस वन यूनिट हमने बढ़ा दी, लाइन एक्सटेंड कर दी, तो एक्स प्लस वन ए सी। अभी आपको क्या करना है, लाइन ए सी, थर्ड स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ए सी, ए सी लाइन को मिड पॉइंट लेना है, ओ, एसी लाइन का, एसी का मिड पॉइंट लेना है हमें ओ, और हमें आधा आर्क बनाना है ओ एज अ सेंटर पॉइंट एंड रेडियस ओ ए, दैट इज ए मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है, तो ये आर्क बनेगा, करेक्ट। उसके बाद हमें बी डी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, परपेंडिकुलर लाइन मतलब एंगल डी, एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए, बराबर है, इसी को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो हमें बी डी एक परपेंडिकुलर निकलना है, और डी पॉइंट कौन सा है हमारा, ये लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एसी पे हमने परपेंडिकुलर लाइन निकाली एट पॉइंट बी, तो ये लाइन इस आर्क को कहां पे कट करती है, वो हमें पॉइंट डी, वो पॉइंट हमारा डी, और लेंथ बी डी आप मेजर कीजिए, और वो लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जितनी वो लेंथ होगी। आप इसका स्केल से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, बी डी लाइन बी डी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, लेंथ बी डी, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इतनी लेंथ होगी, और ये आप सिंपली नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। इस प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू, एक्स क्या है, वेरिएबल है, एनी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू कैन शो ऑन नंबर लाइन ज्योमेट्रिकली, करेक्ट। ये ज्योमेट्रिकली इस प्रकार से होता है। तो थियोरेटिकली मैंने उस वीडियो में प्रूव कर दिया है, कौन सा ट्रायंगल लेके, एंगल लेके, सब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है, वो मैंने उसी वीडियो में बना दिया। आप ये वीडियो देख लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं ट्यूशन के लिए, और ग्रुप ट्यूशन के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके एरिया में ही मैं ट्यूशन ले सकता हूँ। तो आप ये देख लीजिए वीडियो और शेयर कीजिए, और यहाँ और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। Thank you.